Oh my God, Hare! What's up guys, welcome back to another video and a very good morning to all of you. आज है 11 अक्टूबर एंड अभी टाइम हो रहे हैं 4:30 एंड आज हम लोग अपना जो ट्रिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं, वो है गुरुदोमा लेक. यस गाइस, एंड अर्ली मॉर्निंग को निकलना पड़ रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है. अभी हम लोग 3 बजे उठे थे, उठकर फ्रेश होकर फिर लगेज, आज तो लगेज कैरी नहीं करेंगे बट मेरा टैंक बैग को मुझे कैरी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है लाइक कैमरा एंड ऑल, तो मैंने बांध लिया. तो अभी सब लोग गियर अप हो गए हैं, नीचे जाएंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से शायद 60 किलोमीटर्स है गुरुदोमा लेक. जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवेंचर मिलेगा, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलेगा, तो अच्छा है कि लगेज नहीं ले जाना पड़ रहा है. हम लोग फिर बैक टू होटल होंगे एट अराउंड 12 PM और लाइक 1 PM, तो बस उसके बाद देखते हैं और क्या करते हैं. पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुरुदोमा लेक, वहाँ पर जाएंगे. एंड हम लोगों ने सब ने एकदम गर्म कपड़ा पहन लिया है अंदर, जैसे स्वेटर हो गया, फिर वो बॉडी वार्मर हो गया, सब कुछ पहन लिया क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, तो आप लोग समझ सकते हो कितना ठंड है. प्लस यहाँ से गुरुदोमा लेक में और भी ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो इसलिए सब कुछ एकदम गर्म कपड़ा हम लोगों ने पहन लिया ताकि ठंडा ना लगे. ठंडा लग जाएगा तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगा. तो गाइस अभी नीचे चलते हैं, आप लोग से मैं मिलता हूँ नीचे. वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो वो सब भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद. चलिए बाइक के पास मिलते हैं. ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग निकल जा रहे हैं एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग गया फॉर चेन लूबिंग एंड ऑल. तो 5 बज रहे हैं, वी आर 1.5 आवर्स लेट. क्या कर सकते, लेट तो होता ही है. चलो निकलते हैं, बिस्मिल्लाह. तो अभी पूरा अंधेरा है, लाइक पूरा तरीके से नहीं, ऊपर आई कैन सी के हल्का हल्का उजाला हो रहा है बट सनराइज अभी तक हुआ नहीं. तो बस चलते हैं. अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट डार्क, तो जब थोड़ा सा और उजाला हो जाएगा तब शूट करेंगे. फिलहाल अभी राइड करते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत किलोमीटर्स कवर करना है. 1.5 घंटा जो हम लोगों ने लेट कर दिया उसको कवर अप करना है. तो बस अभी चलते हैं, आप लोग वीडियो एंड तक देखना गाइस. आगे वहाँ पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, शायद एक छोटा सा टाउन टाइप का है या विलेज टाइप का है. तो आई होप कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाएगा बिकॉज बहुत एनर्जी लेस फील कर रहा हूँ मैं अभी. चलो गाइज, यहाँ पर कुछ खाना खा लेते हैं, लाइक मैगी मिल रहा है यहाँ पर, चाय भी मिल रहा है, तो कुछ तो खाना पड़ेगा. ओह, लेट्स गेट इनसाइड द ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, रूम है या रेस्टोरेंट है, कुछ भी हो. वाह यार गर्मी है अंदर, वाह. चलो बैठो, थोड़ा सा बैठ जाओ, आओ ना इधर, आओ ना इधर, तो जगह है बैठने का. चलो बैठ. ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, मैगी एंड चाय. तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, 23 किलोमीटर्स डन एंड लाइक 35 to 40 किलोमीटर्स आर स्टिल लेफ्ट. तो चलो निकलते हैं.
वाह गाइस, एक बार सामने नजारा देखिए, यहाँ पर है वाटरफॉल, उधर है माउंटेन, बादल से ढका हुआ, यार क्या सीन है। और अभी हम दोनों, मैं और देवाशीष भैया, ऑफ रोडिंग करते हुए इस रोड का मजा ले रहे हैं। तो गाइस ये है लास्ट चेक पॉइंट, तो गए हैं हम लोग का परमिट दिखाने के लिए। हम लोग यहाँ पर बाइक को लगाकर कुछ पिक्चर्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो व्यू है, वो कमाल का है। एंड बाय द वे दिस इज़ अ हेलीपैड, अगर एक हेलीकॉप्टर रहता ना तो कमाल का हो जाता। तो बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है। एंड जितना सब पिक्चर्स हम लोगों ने खींचा वो सब मेरा इंस्टाग्राम आईडी में अपलोड होगा, शेख जाइन नाम है, स्क्रीन में भी आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस अमेजिंग व्यू गाइस, बहुत ही कमाल का प्लेस है। आई एम रियली लविंग दिस प्लेस एंड ऑल थैंक्स टू माई टू स्पॉन्सर्स, जॉय बाइक्स पॉइंट एंड आदिस मोटर शॉप, जिनके हेल्प की वजह से मैं इतना एक अमेजिंग राइड कर पा रहा हूँ। तो उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जॉय बाइक्स पॉइंट इज़ द सुपर बाइक डीलरशिप एंड आदिस मोटर शॉप इज़ अ बेसिकली मोटर शॉप फॉर ऑल काइंड ऑफ बाइक्स। यू कैन सर्विस एवरी बाइक, लाइक नो मैटर इफ इट्स अ प्रीमियम क्लास बाइक और अ लोअर सेगमेंट बाइक, यू कैन सर्विस ऑल योर बाइक्स देयर। तो चेक आउट देम एंड अभी वेट करते हैं, उन लोग को आने देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग नजारा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर पूरा बादल है एंड वहां पर एक ब्रिज है, तो नजारा तो यार, ओ माय गॉड, इधर नदी भी है यार, ऐसा नजारा कभी ना देखा, कभी भी नहीं देखा। ओ माय गॉड, टैंकर। ओ गॉड, अरे कितने सारे यक। यार दिखने में खराब रोड है, बहुत ऑफ रोडिंग है, पता है, बट दिस इज द रियल फन, यू नो। इफ यू आर अ राइडर एंड यू लव लॉन्ग राइड्स, देन दिस इज व्हाट यू नीड, व्हाट अ बाइकर नीड एंड व्हाट आई नीड। रियली यार इतना मजा आ रहा है, कुछ भी मुझे तकलीफ फील नहीं हो रहा है यार, लाइक इतने देर से इतना खराब रोड में बाइक चला रहे, हाथ दर्द हो या कमर दर्द हो, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ इस रोड को, इस प्लेस को यार। आई एम स्पीचलेस एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर आ पाया। बाय द वे ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे है चाइना बॉर्डर, ओके। तो इधर है इंडिया, पहाड़ के उस पार है चाइना बॉर्डर। ओ माय गॉड। तो गाइज एक्चुअली
वो वाला लास्ट चेक पॉइंट नहीं था, ये वाला लास्ट चेक पॉइंट है। यहाँ पर हम लोगों का परमिट जमा करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग गुरुद्वारा में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत बाइकर्स है एंड नज़ारा बहुत ही कमाल का है एंड द स्काई इज सो ब्लू। सो गाइज यहाँ पर सब ग्रुप्स का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का हैनवी भैया का भी स्टिकर है, तो अभी मैं भी लगाने वाला हूँ, बट मेरा तो उतना अच्छा एक प्रोफेशनल टाइप का स्टिकर है नहीं। ठीक है, इस बारी के लिए वाला स्टिकर लगा देते, एक अच्छा सा डिज़ाइन कर लेंगे स्टिकर, उसके बाद लगाएंगे। कहाँ लगाया जाए, ऑलराइट। तो बस यहाँ पर भी लगा लिया मैंने अपना स्टिकर। हम लोग तो सिंगल में राइड कर रहे हैं, आप तो पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं। आपका एनर्जी वहाँ, हम लोग का एनर्जी यहाँ। अरे खुद का तारीफ करने में अच्छा नहीं लगता ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फाइनली यहाँ से रोड अच्छा मिल जाता है एंड अभी पूरा स्मूथ रोड है गाइस, आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। बट एक चीज़ का अफसोस हो रहा है, हम लोग चार बाइक ऐसे जा रहे हैं एंड पास से अगर एक ड्रोन शॉट मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बट यू नो आई कांट टेक ड्रोन शॉट हेयर, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो गाइस इधर से रोड है, अच्छा खासा रोड है, बट हम लोग करना है कुछ ऑफ रोडिंग, इसलिए हम लोग ने चूज किया वाला जो रोड वहां पर जाकर मिलता है वहां पर हम लोग जाएंगे। तो पहले जाएंगे देवाशीष भैया, ऑल सेट, वेट 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 करना। ओ माय गॉड, अरे इन सब, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इन सब सीन को अगर ड्रोन से कैप्चर किया जाता तो और भी कमाल का लगता। इधर बहुत सारे हिरण है, यहाँ का पहाड़ी हिरण दिख रहे हैं मुझे। वन मोर थिंग गाइस, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड विद द GoPro। यार GoPro Hero 7 से मैं अभी शूट कर रहा हूँ एंड इतना ज्यादा हैंग कर रहा है कैमरा, यार मैं तो तंग हो गया हूँ, बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, फिर GoPro को निकालो, उसको बैटरी निकालो, फिर बैटरी लगाकर, लाइक हम लोग करते थे स्विच ऑन फोन में, वैसा करना पड़ रहा है। इट्स रियली सो डिसअपॉइंटिंग यार, GoPro कब ये सब चीज ठीक करेंगे, आई डोंट नो यार, करो करो जल्दी करो। सो गाइस यहाँ से और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग स्टार्ट होता है एंड ऊपर है गुरुद्वारनाथ लेक एंड उधर एक रास्ता चला जाता है और वो रास्ता जाता है इंडिया हाईएस्ट लेक की तरफ, जो यहाँ से और से 5 किलोमीटर दूर है। बट द मेन थिंग इज कि वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट अलाउ नहीं है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि जाए, बट वहाँ पर आर्मी है तो रिक्स लेकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि बेकार में रिक्स लेकर क्या होगा, चलो जहाँ पर आने के लिए निकले वहीं पर जाते हैं। क्या हुआ मालिक, व्हाट हैपेंड, शिट मैन, क्या हो गया उनको,
बट यहाँ का सीन एक बार देख लीजिए, यहाँ का व्यू एक बार देख लीजिए गाइस, वो आइस कैप्ड माउंटेन्स देख लीजिए आप, ओह माय गॉड। थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद ही आपको दिख जाएगा वो लेक। चलो 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 चलो, डोंट स्टॉप ब्रो। क्या हुआ यहाँ पर? बाइक स्टार्ट अगर बंद हो जाता ना गाइस तो फिर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। बाइक अभी मेरा बंद हो गया था और स्टार्ट नहीं हो रहा था, सो उसका भी बाइक बंद हो गया। बाइक बंद हो गया, गो एंड हेल्प हिम। बाइक स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा स्टार्ट। And we are here guys, finally. Wow man, yes I did it.